सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, लगातार आप हमारे वीडियोस देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। दोस्तों, किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जो कम से कम जब से मैंने होश संभाला है, मेरे जन्म के बाद से, जब मैंने टीवी देखना शुरू किया, अखबार पढ़ना शुरू किया, तो किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो अभी तक सबसे लंबा चला है। कुछ लोग इसे राजनीतिक आंदोलन कह रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो ये कह दिया था कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन जीवी हैं। तो ऐसे में यानी कि राजनीति, अगर राजनीति की बात मान भी ली जाए तो संवेदनाएं कहाँ हैं? संवेदनाएं, वो मुझे लगता है कि शायद राजनीतिक तौर पर जो जिन लोगों के हाथ में हमने सत्ता दी हुई है, जो लोग इस देश को चला रहे हैं, वो संवेदनाएं शायद उनमें नहीं है। करनाल में दोस्तों, एक 7 तारीख से किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। करनाल के लघु सचिवालय में वो तमाम लोग बैठे हुए थे जिन लोगों का दावा था कि वो किसान है। मैं कवरेज कर रहा था, मैं भी जानता हूं कि वो किसान है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेताओं द्वारा उनका मजाक उड़ाया गया। ये कहा गया कि वो किसान नहीं है, ये कहा गया कि वो किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं। किसी ने ये कहा कि अगर ये लोग किसान हैं तो खेतों में काम करने वाला कौन है? कोई बात नहीं, देखिए ये तो चीज़ें दोनों तरफ से चलती हैं। कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, तो ये मोहब्बत तो है नहीं, एक किस्म की जंग है जिसमें सब कुछ जायज़ है। शनिवार को हरियाणा सरकार और किसानों के बीच में एक समझौता होता है, किसान आंदोलन करनाल से ख़त्म हो जाता है। लघु सचिवालय का घेराव किसानों ने छोड़ दिया, लेकिन सवाल है कि किन शर्तों पे छोड़ा, समझौता क्या हुआ? समझौता हुआ कि जो मृतक किसान है सुशील काजल, उनके परिवार में 2 सेंक्शन डीसी रेट की नौकरियां दी जाएंगी, पूरे मामले की न्यायिक जांच की जाएगी। 5 जजों के पैनल का जो नाम है वो किसानों की तरफ से दिया गया और सरकार ने उसे माना भी है। ये सबसे बड़ी बात है कि किसानों ने कहा कि हमें इन 5 पूर्व जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेज हैं उनके ऊपर यकीन है और सरकार ने इस बात को माना। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये मान लीजिए कि किसानों की जिद थी और सरकार को झुकना पड़ा, या तो मान लीजिए कि किसान बच्चे थे और पिता जिस तरह से मान जाता है वैसे सरकार को मानना पड़ा, या मान लीजिए कि जो किसान आंदोलन है उसमें सारे बुजुर्ग थे और जो उनके बच्चे थे उनको मानना पड़ा कि बुजुर्ग ऐसे मानेंगे नहीं, इनकी बात तो माननी पड़ेगी। और तीसरी बात ये तय हुई कि जो IAS अधिकारी आयुष सिन्हा, जिनका वीडियो जारी हुआ था, वो 1 महीने की छुट्टी पर भेज दिए गए हैं। लेकिन उन मांगों का क्या हुआ जिसमें किसानों ने कहा था कि मृतक जो किसान है उसको 25 लाख रुपए का मुआवजा मिले, 2-2 लाख रुपए घायल किसानों को दिए जाएं, जिन किसानों की गाड़ियों को नुकसान हुआ उनकी गाड़ियों के नुकसान की भरपाई की जाए। पहले जो अधिकारी थे, जो IAS अधिकारी हैं, देवेंद्र सिंह, वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, ACN से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट के, उनको मध्यस्थता के लिए भेजा गया था सरकार की तरफ से, यानी कि वो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बैठे थे किसानों के साथ। और किसानों को, जिनको कोई किसान मानने को तैयार नहीं है, कोई उन्हें खालिस्तानी कहता है, कोई उन्हें पाकिस्तानी कहता है, कोई उन्हें कांग्रेस के एजेंट कहता है, उन लोगों के साथ बैठ के उस IAS अधिकारी ने, करनाल के उपायुक्त ने, करनाल के SP ने मीटिंग की, समझौता किया, किसानों को वहां से उठवाने के लिए उनकी मांगों को माना गया। लेकिन मैं फिर बात उसी पे बात पे आऊंगा कि 25 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और गाड़ियों के मुआवजे की जो शर्त थी, जो बात थी, वो कहां गई? आज जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो पूर्व प्रधान थे जगदीश सिंह झिंडा, उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे कुछ समझौते हुए हैं। मैं भी 2 दिन से ट्राई कर रहा हूं कि भैया समझौता क्या हुआ। देखिए, आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं है, ना किसान बता रहे हैं कि क्या समझौता हुआ, ना सरकार बता रही है क्या समझौता हुआ। किसानों की मजबूरी तो समझ आती है भी, किसानों ने उठे वहां से, किसानों ने कह दिया कि भैया हमारी ये शर्तें मानोगे तो हम उठेंगे, हमारी ये शर्तें नहीं मानोगे तो हम नहीं उठेंगे। तो सरकार ने हथियार डाल दिए उन लोगों के सामने जो लोग
आंदोलन वहां पर कर रहे थे, लेकिन किस शर्त पर? जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मृतक किसान के परिवार को 25 लाख रुपए देने की हामी भरी गई है, लेकिन सवाल यह है कि 25 लाख आएंगे कहां से, क्योंकि सरकार ने तो ऑन रिकॉर्ड कैमरे के ऊपर ये बात कह दिया कि जो सेटलमेंट थी वो यही है। यानी कि सरकार के अधिकारियों ने भी मना नहीं किया, उन्होंने ये बात नहीं की कि नहीं नहीं हमने कोई मुआवजा नहीं दिया, उन्होंने कहा कि जो बात होनी थी वो हो गई है, जो सेटलमेंट होनी थी वो हो गई है, और किसान और हम यानी सरकार और किसान इस बात के लिए राजी हैं। तो सवाल ये है कि वो 25 लाख रुपए देगा कौन, क्योंकि खबर ये आ रही है कि 25 लाख रुपए मृतक किसान के परिवार को दिए जाएंगे। मैंने इस बात की जहां जहां से मैं पुष्टि कर सकता था, मुझे हर जगह से यही बात बताई गई है कि 25 लाख रुपए सरकार ने देने की हामी भरी है, लेकिन वे 25 लाख देगा क्यों, कौन देगा? ये 25 रुपए नहीं है, 250 रुपए नहीं है, 2500 रुपए नहीं है, 25,000 भी नहीं है, तो ये 25 लाख देगा कौन? अगर ये पैसे आप ऑफिशियली दे रहे हो, सरकार के खजाने से दे रहे हो, तो आज नहीं तो कल ऑडिट में, आरटीआई में किसी ना किसी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये पैसे आधिकारिक रूप से राजस्व, हरियाणा के जो राजस्व है वहाँ से नहीं दे रहे, हरियाणा के जो खाता है, हरियाणा सरकार का जो बैंक अकाउंट है वहाँ से नहीं दे रहे, तो फिर ये 25 लाख कौन दे रहा है? ये 25 लाख क्या कोई व्यापारी दे रहा है, क्या कोई नेता दे रहा है, क्या कोई विधायक दे रहा है, क्या कोई मंत्री दे रहा है? ये 25 लाख दे कौन रहा है? खबर ये भी सामने आ रही है कि 10 किसान जो गंभीर रूप से घायल थे, उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात की गई है। यानी कि 20 लाख और 25 लाख टोटल हो गए 45 लाख। ये 45 लाख रुपए कौन दे रहा है? सरकार दे रही है? अगर सरकार दे रही है तो सरकार को सामने आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या, देखिए पैसे देने या ना देने में कोई एतराज़ नहीं है, बात यह है कि बात छुपाई क्यों जा रही है? वो कोई रिश्वत तो आपने दी नहीं, वो कोई कमीशन तो आपने दी नहीं, वो तो मुआवजा है, और मुआवजा आप कोई पहली बार तो दे नहीं रहे। जब आपने कोरोना पीड़ित परिवारों को दिए, जिन लोगों की डेथ हुई उनको आप दे रहे हैं, जो लोग एक्सीडेंट में डेथ होती है उनको देते हैं, जो सरकारी कर्मचारी पुलिस अधिकारियों की डेथ होती है उनको देते हैं, तो इनको भी देने में क्या दिक्कत है? जब वो मांग रहे थे, आप उनको उठाना चाहते थे, आपने समझौते के तहत अगर 25 लाख रुपये देने की हामी भर दी, तो वो 25 लाख आप क्यों दे रहे हैं और कहाँ से दे रहे हैं? और अगर दे रहे हैं तो बता क्यों नहीं रहे? दूसरा सवाल, 20 लाख रुपए जो घायल किसानों को देने, वो पैसे कौन दे रहा है? क्या वो पैसे नगद दिए जाएंगे? नगद दिए जाएंगे तो 2 नंबर की ट्रांजैक्शन है। सरकार तो कहती है कि इतने 10,000 रुपए से ऊपर आप किसी को पैसे दे ही नहीं सकते नगद, और अगर आप बाय चेक पैसे दे रहे हो तो वो कल को आपको दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि किसान इस बात को छाती ठोक कर कह रहे हैं कि हमारी सेटलमेंट हुई है, हमारे को पैसे मिल रहे हैं। या तो सरकार का कोई नुमाइंदा सामने आए और ये बात बोले कि सरकार का जो नुमाइंदा है वो ये बात बोले कि किसान झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हम कोई मुआवजा नहीं दे रहे, तब ये बात समझ आए। लेकिन अगर जो सरकार है, सरकार को लगता है कि नहीं हम मुआवजा दे रहे हैं, हम बोलेंगे भी नहीं, तो भैया जनता तो जवाब मांग रही है, जनता तो ये बात पूछना चाहती है कि आखिर ये मुआवजा कौन दे रहा है? यहां पर दोस्तों विरोधाभास क्या है? विरोधाभास ये है कि किसान छाती ठोक कर ये बात कह रहे हैं कि हमें मुआवजा मिला है, और सरकार पर्दे के पीछे मुंह छुपा कर कह रही है कि हमने मुआवजा नहीं दिया। तो मुद्दा ये है कि आखिर ये सब कुछ जो हो रहा है, ये किसकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है? आप लोगों को कहते हो ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये अफगानिस्तानी है, लेकिन आप लोगों के साथ कर क्या रहे हो? आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो, किसानों को खालिस्तानी बता के, पाकिस्तानी बता के, कांग्रेसी बता के, आम आदमी पार्टी का नेता बता के बेवकूफ बना रहे हो आप लोगों का। अगर वो लोग पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, खालिस्तानी या किसी पार्टी के एजेंट है, तो आप उनके साथ बात क्यों कर रहे हैं? डंडे से क्यों नहीं उठाते उनको? यानी यहाँ पर पब्लिक को समझने की बात है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। हमारे साथ करनाल नगर निगम के वार्ड नंबर 2 से जो पार्षद है बलविंदर सिंह, मैंने उनको साथ में जोड़ा है, उनसे एक बार बातचीत करते हैं, क्योंकि एक नेता होने के साथ साथ एक मजबूत नगर निगम के पार्षद, विपक्षी पार्षद, जिसको कहते हैं कि विपक्ष, सरकारी कहती है ना कि विपक्ष जरूरी है, तो वो विपक्ष भी हैं और एक किसान भी है, उनसे एक बार बात करते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन में मैंने उनको कई बार देखा है कि वो किसानों का समर्थन करने के लिए जाते हैं। बलविंदर जी नमस्कार। नमस्कार जी। बलविंदर जी, ये जो मामला सामने आ रहा है कि किसान
की जीत हुई या सरकार की हार हुई, सबसे पहली टिप्पणी मैं आपकी लेना चाहता हूं कि क्या ये किसानों की जीत है या ये सरकार की हार है। हार शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ना केवल सरकार ने किसानों की मांगे मानी, बल्कि जिनको वो किसान मानने से मना करते थे उनके सामने, उनको सामने बिठाया, कई दौर की वार्ता की और उनके सामने एक किस्म से हथियार डाले कि ठीक है हम आपकी बातें मानने को तैयार हैं, आप लघु सचिवालय छोड़िए यहाँ से। पहली बात तो ये है कि खट्टर साहब को जो किसानों का मुद्दा है वो स्टेट का नहीं है, वो सेंटर का है। खट्टर साहब को पंगे लेने नहीं चाहिए, ये बिना मतलब किसानों को चिढ़ा रहे हैं और उसके बाद ये संभाल पाते नहीं, इनके हाथ पैर फूल जाते हैं। अगर चिढ़ा रहे हो तो फिर उसी हिसाब से कंट्रोल भी करना चाहिए। जब आपके पास का कंट्रोल नहीं है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसानों के को सूझबूझ के साथ उन्होंने उनको समझाने में कामयाब हो गए कि ये सेंटर का मुद्दा है। योगी के वहां पे गए, 10 लाख किसान इकट्ठे हुए, उन्होंने सूझबूझ का परिचय दिया, कोई विवाद नहीं हुआ और ये सारी दुनिया के जितने भी किसान हैं उनको पहले तो घेर के हरियाणा में लाए और फिर इनकी सूझबूझ देखो, फिर इन्होंने ऐसा तरीका अपनाया, ये इनको करनाल लेके आए। अब जब करनाल लेके आ गए हो तो उसके बावजूद फिर आपको अपने तरीके से रहना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, फिर ये अधिकारियों को आगे कर देते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पे जो दो बातें हुई थी, इन्होंने किसानों ने अपने जो है वकीलों से डिस्कस करी थी, कहने लगे अगर सिंपल FIR दर्ज होती है तो पहली नंबर तो ये है कि सरकारें कोई नहीं, मैं कहता मैं तो आजाद पार्षद हूँ, किसी सरकार के साथ जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन इन पे लोग भरोसा नहीं कर रहे क्योंकि पैर पैर पे मुकरना वाले इंसान है, मैं तो इसके साथ ही रहा हूँ, इन पे भरोसा नहीं कर रहे। नहीं तो एक बार मुख्यमंत्री कहता भी ये काम कर दिया आपका, किसान विश्वास कर जाते, इन पे विश्वास नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब ये यहाँ पे आ गए थे, FIR लोड होने की बात रही तो सारे हमारे वकीलों ने ये सलाह करी जो किसान यूनियन वाले थे, उन्होंने कहा कि ये जो मुकदमा दर्ज होगा ये अगर इंस्पेक्टर मुकदमा दर्ज करेगा तो DSP कैंसिल कर देगा, DSP करेगा तो दूसरे जिले वाला SP कैंसिल कर देगा, ये मुकदमा तो इन्हीं के हाथ में है, इन्हीं के हाथ में कैंसिल हो जाएगा। हाई कोर्ट के जो जज हैं, क्योंकि इन पर सरकार पे भरोसा ना, इनकी बड़ी शर्म की बात है कि इनके ऊपर भी भरोसा ही नहीं कर रहा कि ये निष्पक्ष जांच करेंगे। उन्होंने मांग रखी किसानों ने कि हमारी हाई कोर्ट के जज हैं, भले ही चलो मैं नहीं कहता कि वहां बिल्कुल निष्पक्ष हो जाएगा, लेकिन फिर भी आज तक जजों पे लोग भरोसा अभी भी कर रहे हैं, कोई बड़ी बात। उन्होंने कहा जज जांच करेंगे, पहले नंबर पे तो उन्होंने तय सीमा रखी कि एक महीने के अंदर फैसला होना चाहिए था, तो एक महीने के अंदर ही ये मानने की एक महीने के अंदर जांच करें। फिर ये कहते हैं इनको पता होता नहीं, इनके भक्तों को ये कहते हैं जी आयुष सिन्हा तो यहाँ था, वहां पे था ही नहीं, मैं अभी आपको वीडियो भेज देता, आयुष सिन्हा यहाँ भी थे, आयुष सिन्हा वहां भी थे, और जो शरेआम डबल रोल था आयुष सिन्हा जी का। हाँ जी, आयुष सिन्हा जी का डबल रोल था, बिल्कुल यहाँ भी थे वहां भी थे, अच्छा दोनों जगह थे। मजिस्ट्रेट है आयुष सिन्हा को ये क्यों बचाना चाहते थे, इनको पता है कि आयुष सिन्हा को सरकार ने आदेश दिया है, अगर आयुष सिन्हा पे ज्यादा सख्ताई करते कहीं आयुष सिन्हा ये ना बोल दे कि ये हमारे मुख्यमंत्री के आदेश थे, इसलिए कोई और बड़ी ये किसी अपने अधिकारी से किसी प्यार थोड़ी करते हैं, ये अपने स्वार्थ के कारण उसको बचा रहे हैं कि आयुष सिन्हा पे ज्यादा अटैक किया था, आयुष सिन्हा सीधा बोल देगा कि यह सरकार का आदेश था। पहली बात, जो किसानों ने चाहा वही इन्होंने माना, जज की इंक्वायरी और एक महीने के अंदर इनको देनी पड़ेगी और 101% दोषी करार दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी IAS अधिकारी ऐसे थोड़ी बोल सकता है कि आप इनका सिर फोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। आज तक इन्होंने जितने भी आंदोलन थे कुचल दिए, चाहे वो टीचर की पेंशन का आंदोलन था, चाहे वो गैस टीचर का आंदोलन था, चाहे वो किसी अपना ये आंगनबाड़ी वाले उनका आंदोलन था, वो आंदोलन इसलिए कुचल दे, ये किसी की बात नहीं सुनते थे, इतने घमंडी है वो, इसलिए आंदोलन कुचले जाते थे, बेचारे सर्विस मैन थे, डर जाते थे चलो हमारी जॉब ना चली जाए। अब की बार इनका पाला पड़ा किसानों से, पहली बार ये टेबल पे आए हैं और अब इनके भगत ऊपर नीचे बोलते हैं जी ये हो गया जी वो हो गया जी, इन्होंने दो नौकरी। बलविंदर जी किन शर्तों पे समझौता हुआ? आपने कहा किसानों की हर बात सरकार ने माननी है, क्लियर शर्त यह है कि आयुष सिन्हा पे इंक्वायरी जज करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, इंक्वायरी होगी तो मुकदमा भी दर्ज होगा। दूसरी बात यह है कि नौकरी एक मांगी थी और क्योंकि कोई भी प्रोसीजर होता नहीं कि 5 मिनट में सरकार नौकरी दे दे, क्योंकि नौकरी का एक प्रक्रिया होती है कि कोई नौकरी निकलेगी वो वहां फार्म भरेंगे फिर उनको देंगे, लेकिन ये जो DC रेट पे नौकरी दी है ये DC रेट पे वो नौकरी नहीं है जो कल्पना चावला में ठेकेदारों के थ्रू होती है, ये वो नौकरी है कि उसके लिए ये सैंक्शन पोस्ट करेंगे,
पोस्ट सैंक्शन करेंगे और सैंक्शन पोस्ट करने के बाद उसके ऊपर उसके दो बच्चों को ये तो लगाया ये तो बलविंदर जी आ गया समझ, लेकिन ये 25 लाख रुपए जो किसान कह रहे हैं कि 25 लाख का मुआवजा मिला, 2 लाख रुपए घायलों को दे रहे हैं, ये पैसे कौन दे रहा है? सरकार ने मना कर दिया, किसान कह रहे हैं हमें मिला तो पैसे देगा कौन? क्या ये ड्यूटी लगाई गई है किसी की कि भैया हमारा पीछा छुड़वाओ, इनको पैसे दे दो? मैं बताता हूँ कौन देगा। हाँ जी, किसानों को पैसा, मेरा अंदाजा है, देखो मैं बीच में नहीं बैठा, हाँ। लेकिन बातें सुनता हूँ, किसानों का पैसा पूरा मिलेगा, किसान परिवार को पूरा पैसा मिलेगा। मिलेगा कहाँ से वो मैं बताता हूँ। जब हमारा मेयर का चुनाव था तो दिन रात दारू की, बलविंदर सिंह अकेला बेंत को मेयर की कैंडिडेट थी जिन्होंने एक बोतल दारू नहीं बांटी। बीजेपी ने टोकरियों की टोकरी, ट्रकों के ट्रक दारू बांटे, दुनिया जहान की इन्होंने पैसे बांटे। सबसे ज्यादा खरीदा प्रोति बीजेपी वाले करते हैं और सबसे ज्यादा दारू ये बांटते हैं। इलेक्शन में जो भी शाम दंड भेद होता है ये करते हैं, तो वो पैसा कहाँ से आ जाता है? ये पैसा इनके कॉर्पोरेटरों ने इनके लिए इकट्ठा कर रखा है। एक कॉल करते हैं तुरंत पैसा आ जाता है। ये तो 25 लाख का खेल ही क्या है? ये 25 करोड़ मंगाए तो 5 मिनट में आ जाते हैं। इनको क्या जरूरत है अपने पास इकट्ठा करने के लिए? लेकिन बीजेपी तो चुनाव में कहती है ना मुद्रा ना मदिरा। भाई साहब मेरी आवाज सारा शहर सुन रहा है। उनको कह दो जो जो भगत भी हो उनको कहना डंडे लेके मेरे घर आना, मेरी बात झूठी लगे तो। मैं यहाँ पे बैठा हूँ शक्तिपुरम में, मेरी बात झूठी लगे भगत भी इस चीज को स्वीकार करेंगे कि सबसे ज्यादा नंगा नाच पैसे और शराब का। बलविंदर जी जब किसानों को उठा दिया गया तो बीजेपी के जो करनाल के युवा, जो भारतीय जनता पार्टी युवा के जिला अध्यक्ष हैं ललित दाबड़ा जी, उन्होंने एक पोस्ट डाली, उन्होंने लिखा कि डीसी रेट के लिए इतना बवाल करने की क्या जरूरत थी, हमारे पन्ना प्रमुख को कह देते हमने नौकरी लगवा देनी थी। ऐसा बीजेपी में अच्छे लोग भी हैं। जो ललित दाबड़ा है ना, ये तो मेरा फेसबुक फ्रेंड था और सही पूछो मैंने इसको अनफ्रेंड किया है। अगर करनाल शहर में अगर कोई जहर बोलने वाला, करनाल हमारा सच्चा सुच्चा शहर है, इसमें सबसे ज्यादा जहर इस बंदे ने बोला जिसका आप डाबरा डाबरा करके नाम ले रहे हो। इतना जहरी बंदा है, इसको 5 बंदे शहर में जानते नहीं है, सिर्फ इसके संगठन के अलावा किसी का नहीं। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? उनको तो बीजेपी ने युवा का जिला अध्यक्ष बनाया। मैंने कहा सिर्फ उनके संगठन के अलावा, मैं ये भी चीज बोल रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं जानता उनको बोल दे जिन्होंने बड़ी पंचायत निपटा दी हो या शहर में इन्होंने किसी नहीं। इस बात में कितना दम है कि पन्ना प्रमुख भी डीसी रेट की नौकरी लगवा सकता है? पहले मेरी वो बात सुन लो, ये सबसे ज्यादा जहर बोलने वाले हैं और इनको तो बिल्कुल अनफ्रेंड कर दो। इनका तो कोई ना वजूद आज तक बना है, ना जिंदगी में ऐसे जहर बोलने वाले का वजूद बनेगा। रही बात पन्ना प्रमुख की, अरे पन्ना प्रमुख नौकरी की बात करते हैं, इनके विधायक नौकरी लगवा के दिखा दे, शहर तो सारा बेरोजगार दिखता है। हमने भी कल परसों पोस्ट डाली थी कि कोई नौकरी वाला है मेरे वार्ड में, आए मैं प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी लगाऊंगा, मेरी पोस्ट चेक करना मेरे व्हाट्सएप पे। हम प्रयास करते रहते हैं किसको स्कूल में लगाए, किसको फैक्ट्री में लगाए, आप भी प्रयास करते रहते हो। ये बिना मतलब की बकवास करते हैं। पन्ना प्रमुख आज सबसे ज्यादा दुखी कौन है? आज सबसे ज्यादा दुखी वो है जिन्होंने इनके पर्चे बांटे। आज सबसे ज्यादा बीजेपी का वर्कर दुखी है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटे को आप चेक कर लो। अरे हमने इनको छोड़ा, दुखी तो हमने होना चाहिए था। हम तो मजे से अपना लोगों की सेवा कर रहे हैं, इनके पार्षद सारे रो रहे हैं, इनके नेता सारे रो रहे हैं, बड़े बड़े नेता, आप बुरा मत मानना, हमारे सुकीजा जी जैसे नेता हैं जिनको 40-40 साल हो गए इनकी पर्चियां काटते हुए, आज तक उनको विधायक का कहीं से टिकट नहीं दे पाए। ये बातें करते हैं बिना मतलब की, बाहर से आते हैं नेता बन जाते हैं और सुकीजा जी उनको पावर है कि 2 बंदे लगा दें? कोई छोटा लेवल है उनका 40 साल से इनकी पर्चियां काट रहे हैं, किसी को पावर है? किसी को कोई पावर नहीं है, 2 बंदे लगा ले। और ये अपने लेवल पे जहां इनको पावर है ये अपने बंदे लगाते हैं और सिर्फ आरएसएस बंदे लगाते हैं, कहानी लगाते बंदे लगते हैं, लेकिन इनको कोई पावर नहीं। सारी पावरें संघ के हाथ में है, आरएसएस के हाथ में सारी पावरें हैं और इनका कोई वजूद नहीं है। ये सारे इलेक्शन से पहले सारे भागेंगे और इनको कोई वोटे बिका भी नहीं। आप देखते हो कि इनके जितने भी नेता है उनको अपने अलावा और कोई जानता ही नहीं। तो सर यानी अब कुल मिला के बात यह कि आप भी इस बात की पुष्टि कर रहे हो कि जो मुआवजा मांगा गया था 25 लाख 2 लाख वो मिला है किसानों को? बिल्कुल बिल्कुल। तो दे कौन रहा है सर, दे कौन रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मिला है जी, अब बिल्कुल मिला, चाहे वो अंडर टेबल मिला चाहे कैसे मिला। करनाम सिंह चड्डू नहीं तो सर 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 वो मुआवजा देगा कौन? अगर चेक के थ्रू आएगा तो वो सरकार ने मना कर दिया हमने नहीं देना, अगर वो नकद पैसे देंगे चेक के थ्रू नहीं आए, जो इलेक्शन फंड में आता है वो यहाँ आ जाएगा या पार्टी दे नहीं सकती।
तो आपका मतलब है नगद पैसे देंगे वो? बिल्कुल देंगे, तो नगद पैसे देंगे तो नगद और... नगद सर, नगद तो 10,000 से ऊपर की अमाउंट पे रोक लगी हुई है। वैसे तो चुनाव में भी कहते हैं कि इतनी लिमिट बनी हुई है, उससे फालतू खर्च नहीं कर सकते, ये हर चुनाव में 20-20 करोड़ खर्च करते हैं। अच्छा, एक एमएलए के चुनाव में, मेयर के चुनाव में 20 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। हाँ। तो ये तो कहानी क्या है करतन जी, आप भी मजे लेते हैं, आपको पता है सारा, आप सबसे ज्यादा योद्धा पत्रकार हो, आपको किस चीज का ज्ञान है? सारे शहर का तो नाश हो गया है, दुनिया जहान का 2.5 लाख करोड़ का हरियाणा पे खर्चा हो गया बिना कोई प्रोजेक्ट आए, तो ये सारा धन यही जा रहा है, तो प्रोजेक्ट पे थोड़ी लग रहा है। चलो बलविंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बेबाक राय रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। लीजिए, बातें शुरू कुछ और हुई थी और पहुंच कुछ और गई, यानी कि अब समझ लीजिए कि जो बलविंदर सिंह है वो ये कह रहे हैं कि ये पैसे कॉरपोरेट देंगे या फिर पार्टी फंड से पैसा आएगा, ये दावा उन्होंने किया। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर किसानों को 45 लाख रुपये का जो मुआवजा है वो आखिर कौन देने जा रहा है, किसकी जेब से वो पैसा निकलेगा और 45 लाख रुपए के बदले उसे क्या मिलेगा, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। चर्चा करनी थी 10 मिनट की, हो गई 21 मिनट की, वो इसलिए क्योंकि जब ऐसी खबर करने लगते हैं तो दिल इतना लग जाता है कि वीडियो बंद करने का मन नहीं करता, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।